हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए क्रोकोडाइल का सेलिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि मैंने इसमें किस तरीके से शेडिंग करी है और हमको किस प्रकार से शेडिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, शेडिंग स्टार्ट कर दी है। अब मैं पहले बॉडी पार्ट को अच्छे से सेट कर रहा हूँ और रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्जर्व करके बना रहा हूँ। तो आप लोग भी किसी भी पोर्ट्रेट को बनाते हैं या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, आप जिस चीज़ से देखते हैं उसे, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाएं। और आप लोग जितना उसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे उतना बेहतर ड्राइंग बनेगा। तो मैं फ़ोटो को ऑब्जर्व करके जिस प्रकार से इन बॉक्सेस को सेट कर रहा हूँ उसी प्रकार से सभी बॉक्स को अच्छे से सेट करूँगा। तो आप लोग जब शेडिंग करते हैं तो लाइट टू डार्क शेडिंग करें। इस प्रकार से शेडिंग करने से ड्राइंग रियलिस्टिक लगती है और साथ ही शेडिंग भी अच्छे से होती है। शेडिंग करते समय इस बात का भी ध्यान दें कि आप जब शेडिंग कर रहे हैं तो पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लें, जिससे पेंसिल नुकीली रहती है और शेडिंग करने में आपको असुविधा नहीं होती है। तो पेंसिल को शार्प करके शेडिंग करने से काफ़ी अच्छी शेडिंग होती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताना चाहता था। और साथ ही आपको ये भी बताता हूँ कि मुझे इस ड्राइंग को बनाने में, तो जितना भी मैंने आपको बनाया हुआ है इसे बनाने में मुझे 4 आवर लगे। और यह वीडियो दो पार्ट में आएगी। पहला पार्ट आ रहा है जिसमें मैंने आपको इसकी बॉडी का सेटिंग बताया है कि बॉडी मैंने किस प्रकार से सेट करा है, ये बताया हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही उस वीडियो से आपको और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उस वीडियो को मिस ना करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे छोटे से यूट्यूब फैमिली के मेंबर बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।